नमस्ते दोस्तों, नमस्ते फ्रॉम उत्तराखंड, नमस्ते फ्रॉम ऋषिकेश एंड नमस्ते फ्रॉम माय होम टाउन। जो मेरा गांव है वो आपके पौड़ी ज़िले के यमकेसर ब्लॉक में है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और बारिश यहां पे कंटिन्यू चल रही है। तो अभी मैं घर पे हूं और मैं कुछ दिनों के लिए घर पे आया हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी अपने गाँव घुमा लूँ। तो चलो मिलते हैं आगे ब्लॉग में। रात भर बारिश हो रही थी तो अभी आप सुबह का नज़ारा देख सकते हैं कितना प्यारा है। और ये चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, एकदम फॉग से ढका हुआ है। अभी रात भर बारिश चल रही थी तो मॉर्निंग व्यू काफ़ी अच्छा हो रखा है, आप देख सकते हैं। ये हमारे गांव के खेत और खूबसूरत नज़ारा। शिमी शिमी कर दे कोई यहाँ। बारिश बंद हो चुकी है और आसमान में भी बादल है लेकिन बारिश नहीं आ रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे स्कूल में अपने, तो वहाँ पे दिखाता हूँ वहाँ का नज़ारा। इस बारिश में यहाँ पे ऊपर से पानी आया था, इधर पूरा तोड़ते हुए नीचे स्कूल में घुस गया। इधर रास्ता भी सारा टूट चुका है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ अपने स्कूल में, अपने प्राइमरी स्कूल में, जहाँ पे बचपन से 1 से 5 तक मैंने पढ़ाई की। अब देख सकते हैं यहाँ ऊपर से पानी आया, इधर तो पूरा मलबा भर रखा है। इसी स्कूल में मैंने अपने क्वारंटाइन 15 दिन काटे जब ये लॉकडाउन चल रहा था। दिस ब्यूटीफुल व्यू। तो ये सामने ये वाला जो कमरा है, यहाँ पे मैं क्वारंटीन था और यहाँ पे ये पेड़ पौधे मैंने क्वारंटीन के टाइम पे लगाए थे। ये जो फूल है, ये पेड़ भी मैंने लगाया था गुलाब का, और अभी ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और इस पे फूल भी आ रहे हैं। ये सबसे खुशी वाली बात है। तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे भी हमने बहुत सारे पेड़ लगाए थे लेकिन ऊपर से पानी आया, मलबा आया और सारे दब गए, तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अभी बारिश बंद हो चुकी है और धीरे धीरे बादल भी साफ हो रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं सूरज की किरणें, सूरज निकल रहा है। और अभी मैं आपको आगे घुमाता हूँ। तो अभी हम लोग आए हैं अपने गांव के गधेरे में, जहां से हमारे गांव का खेतों में पानी जाता है। तो चलो आगे चलते हैं। ये और अभी हम यहां नहाने वाले हैं।
तो अभी इस गधेरे में मैं काफ़ी देर तक हम नहाते रहे और अभी मैं शाम को यहाँ पे मछली पकड़ने आने वाला हूँ, तो मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी मैं आया हूँ मंदिर में, अपने जो हमारे गांव का सबसे प्राचीन मंदिर है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। चलो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पे हर शिवरात्रि में मेला लगता है और काफ़ी बड़ा मेला लगता है क्योंकि ये एक्चुअली अपरूपी बना हुआ मंदिर है। काफ़ी पुराना है, काफ़ी प्राचीन है, जब से हमारा गांव यहाँ पे बना हुआ तब से, उससे पहले से मंदिर यहाँ पे बना हुआ था, बाद में मॉडिफाइड करके इसे बाहर से भी बनाया गया, लेकिन अंदर एक गुफा है तो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। वहाँ पे हमेशा पानी ऊपर से टपकता रहता है। जय हो। जय शिव शंकर भोलेनाथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पानी है और ये हमेशा टपकता रहता है। ये शिव जी की महिमा है जो पानी हमेशा टपकता रहता है। चलो और अंदर चलते हैं। तो मैं फ़ोन के लाइट से आपको दिखा रहता हूँ, यहाँ पे ऊपर से हमेशा पानी टपकता रहता है और ये हमारा शिवलिंग। यहाँ पे एक छोटी सी नंदी हमारी और ये अपना शिवलिंग। तो अंदर गुफा है और गुफा के अंदर एक शिवलिंग है जो आपरूपी बना हुआ है और ऊपर से इसमें पानी गिरता रहता है जो मैंने आपको दिखाया। तो ये भी अपने आप में भी एक चमत्कार है कि पानी हमेशा उस पर गिरता रहता है। तो मंदिर से आने के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अपने गांव के ब्रिज पे जो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये रहा हमारा गाँव का ब्रिज और यहाँ से हमारे गांव का कुछ इस तरह का नज़ारा। तो ये ब्रिज जो हमारा बना हुआ है वो आपका बना है 1984 में, 1984 में। उससे पहले यहाँ पे मेरे दादा लोग नाव से इस नदी को पार करते थे, इस रिवर में वो नाव चला के इस पार आते थे। उनके पास लकड़ी और लोहे की बनी हुई नाव होती थी, लेकिन जब पानी बढ़ जाता था जैसे अभी बढ़ा हुआ है तो इसको लकड़ी के नाव से पार करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद वो मेन हाईवे जो हमारा मेरे पीछे, उससे डिस्कनेक्ट हो जाते थे, बिल्कुल उनका संपर्क टूट जाता था क्योंकि वो इस पार आ ही नहीं सकते थे। उसके बाद एक ब्रिज बना, तब जाके यहाँ पे कुछ मुश्किलें आसान हुई। तो ये बात है। अभी मैं यहाँ पे फिशिंग करने वाला हूँ क्योंकि मेरी सबसे बड़ी हॉबी है फिशिंग करना, मच्छी पकड़ना। मेरे पास है फिशिंग कॉर्ड और छोटी से मैं फिशिंग करूँगा और ये मेरा असिस्टेंट मिस्टर बल्ला।
अभी 4-5 मछली मैंने पकड़ लिया है, तो कोशिश करता हूँ और भी पकड़ लूँ, बस आप बने रहिए मेरे साथ। लगाया मैंने आटा, ये फेंक दिया, अब आप देखते रहो। ये बार मच्छी आ गई, फ्रेंडशिप लास्ट चीज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है मेरे पीछे वाटरफॉल। ये मेरे गांव से सिर्फ 200 मीटर दूर है और मैं यहाँ पे कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी पिक्चर क्लिक कर सकता हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे आना होगा, आपको मेरे ठीक सामने बद्रीनाथ हाईवे आप एकदम लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करना प्लीज़। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।